हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका व्यू स्पोर्ट मैच प्रीव्यू में। मैं हूं आपका फैंटेसी फुटबॉल होस्ट आकाश त्यागी। आज हम बात करेंगे डेनिश लीग के मैच ब्रॉनब्यू वर्सेस एफसी नॉर्शेलेन की। हर बार की तरह इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रीवियस रिजल्ट्स, लीग टेबल स्टैंडिंग्स, प्रोबेबल लाइनअप्स एंड एंड में बेस्ट फैंटेसी कॉम्बिनेशन की भी। जी हाँ फ्रेंड्स, फाइनली यूरोप की टॉप लीग्स खत्म हो चुकी हैं, सीजन अब ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, सिर्फ ला लीगा का एक राउंड बचा है। उसके अलावा इंग्लिश प्रीमियर लीग, बुंडेसलीगा जैसे लीग्स ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी हैं, तो अब फाइनली हम डैनिश लीग, नॉर्वेजियन लीग, अर्जेंटीनियन लीग जैसे मैचेस के बात करने वाले हैं। शायद आपको इनके बारे में उतना आइडिया नहीं होगा, बट यू डोंट नीड टू वरी, व्यू स्पोर्ट इज ऑलवेज हियर टू हेल्प यू आउट। इसी वजह से आज हम डैनिश लीग का मैच कवर करने वाले हैं। और अगर आपको बाकी सारी लीग्स की भी, जैसे कि स्वीडिश लीग, नॉर्वेजियन लीग, अर्जेंटीनियन लीग जैसे लीग्स के भी मैचेस, उनके प्रीव्यूज एंड बेस्ट कॉम्बिनेशन चाहिए, तो प्लीज चेक इट आउट व्यू स्पोर्ट ऐप राइट नाउ, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके साथ साथ डोंट फॉरगेट टू फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम एज वेल, व्यू स्पोर्ट ऑफिशियल फुटबॉल इंस्टाग्राम हैंडल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अब हम बात करते हैं हमारे आज के मैच की। सबसे पहले प्रीवियस रिजल्ट, अगर बात करें ब्रॉनब्यू की, तो इन्होंने अपना पिछला मैच डैनिश लीग में ही खेला था, जो कि इन्होंने 1-1 ड्रॉ किया था वर्सेज वाइबॉर्ग एफएफ, जिसमें एकमात्र गोल स्कोर किया था एफजेन। वहीं पर अगर हम बात करें एफसी नॉर्शेलेन की, तो इन्होंने भी अपना पिछला मैच डैनिश लीग में ही खेला था, जो कि इन्होंने 3-1 जीता था वर्सेज रेंडर्स एफसी। इनके लिए गोल स्कोर किए थे बेंजामिन नाइग्रेन, अर्नेस्ट नुआमह एंड मोहम्मद डियोमंडे ने। वहीं पर अगर हम डैनिश लीग टेबल की बात करें, जो चैंपियनशिप राउंड है, उसमें ब्रॉनब्यू इस समय है 6th पोजीशन पर। इन्होंने खेले हैं 30 मैचेस, जिसमें इनके हैं 40 पॉइंट्स। इन्होंने स्कोर किए हैं 40 गोल्स एंड कंसीड किए हैं 48 गोल्स। वहीं पर अगर हम बात करें एफसी नॉर्शेलेन की, तो ये इस समय है 2nd पोजीशन पर। इन्होंने खेले हैं 30 मैचेस, जिसमें इनके हैं 54 पॉइंट्स। इन्होंने स्कोर किए हैं 49 गोल्स एंड कंसीड किए हैं 30 गोल्स। सो फ्रेंड्स, हम यहां पर क्लियरली देख सकते हैं एक डिफरेंस जो है वो टेबल में भी है, वो स्टैट्स में भी है, जिसकी वजह से एफसी नॉर्शेलेन यहां पर क्लियरली एक फेवरेट्स है ओवर ब्रॉनब्यू। बट इसके अलावा भी काफी सारे फैक्ट्स हैं, कुछ और फैक्ट्स हैं, जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि इस समय एफसी नॉर्शेलेन जो है काफी हद तक डोमिनेट कर सकते हैं ब्रॉनब्यू को। अगर हम बात करें ब्रॉनब्यू की, तो इन्होंने 2021 में अपना 16 ईयर का एक ड्राउट खत्म किया था, जब इन्होंने 11th डैनिश सुपर लीग का टाइटल जीता था। बट उसके बाद से ब्रॉनब्यू जो है उस फॉर्म को या फिर उस मोमेंटम को कायम रखने में नाकामयाब रहे। आप देख सकते हैं कि पिछली बार इन्होंने 5th पोजीशन पर खत्म किया था, अब की बार ये 6th पोजीशन पर आ गए, तो जो इनका पिछली बार का रिकॉर्ड था, ये उससे भी बेकार सीजन इस समय इनका जा रहा है। उसके बाद इनके लिए एक नेल इन द कॉफिन जो है वो ये है कि ब्रॉनब्यू जो है डैनिश कप जो होता है उसमें से भी बाहर हो चुकी है। एक सेकंड डिवीजन की टीम आर्नेस फर्नान ने इनको 4-0 थ्रैश कर दिया फ्रेंड्स, जिसकी वजह से ब्रॉनब्यू का मोटिवेशन भी काफी लो है इस समय। इनकी फॉर्म बिल्कुल खराब है, टीम के स्ट्रक्चर की बिल्कुल धज्जियां उड़ी हुई है। यही रीजन है कि यहाँ पे नॉर्शेलेन जो है काफी हद तक डोमिनेट कर सकते हैं ब्रॉनब्यू को। वहीं पर अगर बात करें नॉर्शेलेन की, तो नॉर्शेलेन यहाँ पर कोशिश करेंगे या फिर वो एम कर रहे हैं अपने सेकंड डैनिश सुपर लीग टाइटल के लिए। जो उन्होंने पिछला टाइटल था, बड़ा एक फेमस ट्रियम्फ था उनका 2012 में, जब उन्होंने जीता था, सेकंड टाइटल के लिए वो एम कर रहे हैं। बट फ्रेंड्स, यहाँ पे एक छोटा सा कैच है कि ये जो टाइटल है ये इनके हाथ में नहीं है, इनको थोड़ी सी हेल्प बाकी टीमों की भी लेनी पड़ेगी। जी हाँ फ्रेंड्स, नॉर्शेलेन यहाँ पर उम्मीद करेंगे कि वाइबॉर्ग एफएफ या फिर रैंडर्स जो है वो उनको थोड़ा सा फेवर कर दें और जो कॉपेनहेगन टीम है उनको हरा दें या फिर ड्रॉ खिलवा दें। डजंट मैटर नॉर्शेलेन इस मैच को जीतती है या फिर नहीं जीतती है, उनकी चैंपियनशिप जीतने की जो उम्मीदें हैं वो दो दूसरी टीमों पर टिकी हुई हैं। लेट्स सी अगर वो टीम्स इनका यहाँ पर उनकी यहाँ पर हेल्प करती हैं या नहीं करती हैं। अगर वो करती हैं तो नॉर्शेलेन सेकेंड टाइम अपना डैनिश चैंपियनशिप जीतने का सपना पूरा कर सकते हैं। सो आई होप फ्रेंड्स, आपको थोड़ी सी यहाँ पर क्लैरिटी मिली होगी कि नॉर्शेलेन एक काफ़ी अच्छी फॉर्म में है, ब्रॉनब्यू बहुत ज़्यादा हद तक यहाँ पर सफ़र कर रहे हैं और इस मैच में नॉर्शेलेन आराम से 2-0 या फिर इवन 3-0 या फिर 3-1 की स्कोर लाइन से जीतने का मादा रखते हैं। तो फ्रेंड्स, इससे पहले कि हम आगे बढ़े और बात करें प्रोबेबल लाइनअप्स की, हम आपको बता दें दैट दिस वीडियो स्पॉन्सर्ड बाय विजन 11, इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ब्रो, अक्षर सही है, बात मान शमी। सिर्फ अक्षर और शमी क्यों? उमरान, हर्षल और मनीष सबके साथ खेलो। इस पे विजन 11, इसकी झलक सबसे अलग। This game involves an element of financial risk and may be addictive. Please play responsibly and at your own risk. तो अब हम बात करते हैं प्रोबेबल लाइनअप्स की।
अगर बात करें हम ब्रॉनब्यू की, तो ये एक 3-5-2 फॉर्मेशन में खेल सकते हैं, जिसमें गोलकीपर हो सकते हैं हरमिंसन, डिफेंस में हो सकते हैं एल्विस, लॉरिसन एंड शियम्बे। फ्रेंड्स, अगर इनका जो डिफेंस है वो ऑलरेडी इतने ज्यादा गोल कंसीड कर चुका है, आप ऑलरेडी देख चुके हैं कि 48 गोल्स वो कंसीड कर चुके हैं, स्टिल अगर हमें कोई एक डिफेंडर यहाँ पर पिक करना होगा तो वो हम कर सकते हैं। एक एल्विस जो इनके कई बार एज अ राइट बैक भी खेलते हैं, ये एल्विस जो है ये आपको डिफेंसिव पॉइंट्स के साथ साथ ऑफेंसिवली भी हेल्प करेंगे। ये क्रॉसेस बहुत अच्छे डालते हैं, ये कई बार एज अ फुल बैक की तरह भी रोल अदा करते हैं, तो ये आपको ऑफेंसिवली भी थोड़ा सा मूव करते मिल जाएंगे, क्योंकि मैच के बीच में फॉर्मेशन कई बार ब्रॉनव्यू चेंज कर लेती है, वो थ्री डिफेंडर्स की बजाय 4 डिफेंडर्स पे आ जाती है, जिसमें मेंसा भी कई बार थोड़ा सा पीछे आके खेलते हैं, तो एल्विस उस समय थोड़ा सा पोजिशंस में आगे आते हैं, अटैकिंग पोजिशंस में, और आपको अटैक भी करते हुए मिल सकते हैं। वहीं पर अगर हम इनकी मिडफील्ड की बात करें, तो वहां पर हो सकते हैं मेंसा, रिवेरोस, रैंसोविच, एवजन एंड वैलिस। फ्रेंड्स, इनके सबसे स्टार प्लेयर जो मिडफील्ड में होंगे वो होंगे वैलिस, जो लेफ्ट साइड से अटैक करते हुए आपको मिल जाते हैं, ये बहुत ही अच्छे ड्रिबलर ऑफ द बॉल है, ये उसके अलावा आपको चांस क्रिएशन से भी पॉइंट्स दे सकते हैं, ये आपको असिस्ट से भी पॉइंट दे सकते हैं, बट ये सबसे ज्यादा डेंजरस है शॉट्स ऑन टारगेट, ये गोल्स भी काफी अच्छे स्कोर करते हैं। हालांकि पूरी टीम ही अभी सफर कर रही है, तो वैलिस भी कोई बहुत ज्यादा अच्छी फॉर्म में नहीं है, बट स्टिल इनके जो स्टैट्स हैं वो काफी अच्छे हैं और हमें इनको अपनी फैंटेसी टीम में रखना जरूर चाहिए। वहीं पर अगर हम बात करें तो इनके साथ देंगे एवजन, जिन्होंने पिछले मैच में भी गोल स्कोर किया था, ये एक नॉर्मल मिडफील्डर है फ्रेंड्स, ये आपको बहुत ज्यादा गोल्स या असिस्ट से कंट्रीब्यूट नहीं करने वाले हैं, पिछले मैच में शायद इन्होंने गोल स्कोर जरूर किया था, ये आपको जो बहुत ज्यादा पॉइंट्स देने वाले हैं वो दे सकते हैं पासिस या फिर टैकल्स या फिर मोस्ट प्रॉब्ली इंटरसेप्शन से, उसके अलावा ये आपको बहुत ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे एज सच गोल्स या असिस्ट। वहीं पर अगर हम बात करें इनके दूसरे मिडफील्डर रिवेरोस और रेट्सोविच की, ये दोनों ही मोर लाइक का एक डिफेंसिव मिडफील्डर का रोल भी अदा करते हैं फ्रेंड्स, ये आपको शील्ड करते हुए मिल जाएंगे तीनों डिफेंडर्स को, जो कि कर नहीं पा रहे क्योंकि ये रीजन है कि ब्रॉनबर्ग जो है अब तक 48 गोल्स कंसीड कर चुके हैं, बट स्टिल ये आपको टैकल्स और इंटरसेप्शन से काफी अच्छे पॉइंट्स दे सकते हैं। वहीं पर अगर इनके अटैकर्स की बात करें, तो वहां पर आपको मिल सकते हैं क्विस्कार्डन एंड ओमो यूएनफो इनके मेन स्ट्राइकर हैं फ्रेंड्स ब्रॉनब्यू के लिए, जो इनके लिए रेगुलर बेसिस पर गोल स्कोर कर रहे हैं, यही शायद इकलौते ऐसे प्लेयर हैं जो थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन गोल वाइज ब्रॉनब्यू के लिए दे रहे हैं, जो रेगुलर बेसिस पर टैकल, ये बीइंग अ स्ट्राइकर ही आपको टैकल इंटरसेप्शन से भी पॉइंट्स दे रहे हैं, उसके अलावा चांस क्रिएशन से भी थोड़े से पॉइंट्स आपको दे सकते हैं। हालांकि अगेन ये भी एक हिट एंड मिस की तरह है, अगर इन्होंने बहुत ज्यादा अगर इन्होंने गोल या असिस्ट नहीं कॉन्ट्रीब्यूट किया और नॉशल ने यहाँ पर क्लीन शीट रखी, तो ओमो यूएनफो आपको बहुत ज्यादा पॉइंट्स नहीं देने वाले हैं। वहीं पर अगर हम बात करें एफसी नॉर्शलैंड की, तो हमारे अकॉर्डिंग ये एक 4-3-3 फॉर्मेशन में खेल सकते हैं, जिसमें गोलकीपर हो सकते हैं हेंसन, फोर मैन डिफेंस में हो सकते हैं विलाटसन, हेंसन, नगालो एंड स्वेंसन। फ्रेंड्स, फैंटेसी पॉइंट ऑफ व्यू से इनके चारों ही डिफेंडर्स हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, क्योंकि जैसे कि हमने आपको पहले ही बताया कि ब्रॉनब्यू यहाँ पर काफी स्ट्रगल कर रही है, आप ये चीज देख सकते हैं जिस तरीके से उन्होंने गोल कंसीड करे हैं और जो उनकी हालत है इस समय लीग में, उसके हिसाब से हमारे चारों ही डिफेंडर्स हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट के क्लीन शीट रखने के चांसेस बहुत ज्यादा है। उसके साथ साथ इनके लेफ्ट बैक स्वेंसन काफी अटैकिंग प्लेयर है, जो कि आपको डिफेंसिव ड्यूटीज के साथ साथ ऑफेंसिवली भी अटैक करते हुए मिल जाएंगे, ये आपको असिस्ट देने की पोटेंशियल रखते हैं, ये आपको गोल्स स्कोर करने का भी थ्रेट रखते हैं। वहीं पर अगर हम मिडफील्ड की बात करें, तो वहां पर हो सकते हैं बिटस्ट्रप, उनके साथ हो सकते हैं डॉगलिस या फिर क्रिश्चियनसन, और उनके साथ हो सकते हैं डियोमंडे। फ्रेंड्स, डियोमंडे काफी अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं, इन्होंने पिछले मैच में भी गोल स्कोर किया था, ये इनके मिडफील्डर जो हैं ये कई बार आपको विंगर का रोल भी अदा करते हुए मिल जाएंगे, कई बार बहुत आगे आके खेलते हैं, नहीं तो मोस्ट प्रॉब्ली आपको मिडफील्ड में खेलते हुए मिलेंगे, ये गोल्स, असिस्ट, टैकल, इंटरसेप्शन हर चीज से आपको कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, ये आपके लिए बहुत ही फैंटास्टिक वाइस कैप्टन ऑप्शन भी ऑटोमेटिकली बन जाते हैं। इन्होंने पिछले मैच में भी गोल स्कोर किया था फ्रेंड्स, इस वजह से इनका मोटिवेशन भी काफी ज्यादा हाई इस समय होगा। वहीं पर अगर इनके बाकी पार्टनर्स की बात करें, तो वहां पर हो सकते हैं क्रिश्चियनसन एंड डॉगलेस। फ्रेंड्स, इनमें से क्लियर नहीं है कि कौन इस मैच को स्टार्ट कर सकता है, क्रिश्चियनसन ने पिछला मैच नहीं खेला था, सो वी आर होपिंग कि शायद क्रिश्चियनसन इस मैच को स्टार्ट करेंगे। अगर क्रिश्चियनसन स्टार्ट करते हैं तो वो आपके लिए एक ऑटोमेटिक पिक बन जाते हैं मिडफील्ड के लिए, क्योंकि ये कि प्रॉपर एक नंबर 10 है, जो कि आपको कंट्रीब्यूट करते हुए मिल जाएंगे, टैकल्स, इंटरसेप्शन, पासेस, असिस्ट से भी कंट्रीब्यूट करते हुए मिल जाएंगे। वहीं पर अगर हम बात करें इनके अटैकर्स की, तो वहां पर हो सकते हैं नुआमा, ओस्मन एंड नियाग्रन। फ्रेंड्स, नुआमा यहाँ पर और नियाग्रन यहाँ पर इनके मेन स्ट्राइकर्स हैं, जो कि आपको गोल से कंट्रीब्यूट करके दे सकते हैं, ये रेगुलर बेसिस पर गोल स्कोर करते हुए आ रहे हैं, उसके अलावा ये आपको असिस्ट देने की भी पोटेंशियल रखते हैं, खासकर नुआमा बहुत ही फैंटास्टिक प्लेयर है, काफी ज्यादा शॉट्स ऑन टारगेट लेते हैं, इनकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है शॉट्स ऑन टारगेट लेने की, इसी वजह से इनके गोल थ्रेट भी आपको काफी ज्यादा देते हैं। वहीं पर अगर बात करें नियाग्रन की, तो नियाग्रन
और ने पिछले मैच में काफी अच्छा गोल स्कोर किया था। इन्होंने गोल स्कोर इनके लिए खाता खोला था टीम के लिए, तो काफी अच्छी फॉर्म में है नियाग्रिन भी, नुआमा भी, ये दोनों ही। अब इन दोनों में से आप किसी को भी कैप्टन या फिर वाइस कैप्टन कर सकते हैं, खासकर आप चाहे तो कैप्टन कर सकते हैं नुआमा को, इवन वाइस कैप्टन आप कर सकते हैं नियाग्रिन को। अगर आपको लगता है कि यहाँ पर नॉर्थ शेलैंड एक क्लीन शीट रख सकती है, तो आप क्रिश्चियनसन को हटा के एक रिस्क लेके छोटा सा चारों डिफेंडर्स जो हैं नॉर्थ शेलैंड के वो यहाँ पर लेने की कोशिश कर सकते हैं। फ्रेंड्स, हमारे अकॉर्डिंग नॉर्थ शेलैंड इस मैच को 2-0 या फिर 2-1 इवन 3-0 जीतने का दम यहाँ पर रखती है। तो इससे पहले कि फ्रेंड्स हम आगे बढ़े, तो आई होप आपको क्लैरिटी मिल गई होगी कि नॉर्थ शेलैंड के कुछ फैक्टर्स की वो इस मैच को किस तरीके से परस्यू कर सकते हैं और वो किस तरीके से डोमिनेट करते आए हैं ब्रॉनबी को या फिर कर रहे हैं इस समय, और क्यों ब्रॉनबी की जो हालत है वो इस समय बहुत खस्ता है। तो अब हम चलते हैं हमारे बेस्ट फैंटेसी कॉम्बिनेशन की तरफ। तो हमने यहाँ पर लिया है हरमिंसन एज ए गोल कीपर, डिफेंस में हमने लिया है स्वेंसन, नगालो एंड विलटसन, मिडफील्ड में हमने सारे इंपॉर्टेंट प्लेयर्स लेने की कोशिश करी है, हमने क्रिश्चियनसन को भी लिया है, जैसे कि हमने आपको पहले बताया अगर आप चाहें तो क्रिश्चियनसन को हटा के फोर्थ डिफेंडर भी ले सकते हैं नॉर्थ शेलैंड से, बट हमने यहाँ पर क्रिश्चियनसन को लिया है। तो मिडफील्ड में होंगे एवजन, वैलेस, क्रिश्चियनसन, डियोमंडे एंड नुआमा, और हमने अटैक में लिया है नियाग्रिन एंड ओमिलन फोको, कैप्टन हमने किया है नुआमा को, वाइस कैप्टन हमने किया है डियोमंडे को, वाइस कैप्टन आप चाहे नियाग्रिन को भी कर सकते हैं, आप चाहे तो ओमियू एनफो को भी वाइस कैप्टन कर सकते हैं अगर आपको हल्का सा भी लगता है कि ब्रॉनव्यू इस मैच में गोल स्कोर कर सकते हैं। हालांकि हमें उम्मीद है कि नॉर्थ शेलैंड यहाँ पर एक क्लीन शीट रख सकते हैं, बट स्टिल शायद एक गोल स्कोर करने का दम तो ब्रॉनव्यू भी रखते हैं। तो इसमें चेंजेस आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये एक छोटा सा प्रिव्यू था डैनिश लीग के मैच ब्रॉनव्यू वर्सेज एफसी नॉर्थ शेलैंड का। होपफुली आपकी थोड़ी सी हेल्प जरूर हुई होगी, अगर हल्की सी भी हेल्प हुई है तो प्लीज लाइक दिस वीडियो, एंड ऐसी और वीडियोस के लिए प्लीज सब्सक्राइब टू व्यू स्पोर्ट चैनल। थैंक यू।